जय श्री कलरियर। कॉम्प्रोमाइज इज नॉट द सेटिस्फैक्शन। मानव ने जब जब समझौता किया तब तब वो असंतुष्ट रहा, संतुष्टि नहीं हो पाई। मानव ने अपने जीवन में जो जो निर्णय लिए, जो भी डिसीजन लिए, वो उसके जीवन में जब जब अन्याय हुआ तब तब उसने समझौता किया, और जब जब समझौता किया तब तब अधर्म हो गया, और अधर्म हो गया तो उसके साथ गलत हो गया, गलत हो गया तो वो बोझ में हो गया, बर्डन में हो गया, और जिस कारण से मानव पीड़ित रहा, कष्ट में हो गया, संकट में हो गया, उदास हो गया, बोर हो गया। जो कॉम्प्रोमाइज करता है वो बोर होने लग जाता है, वो थकान महसूस होने लग जाती है, उसको उसको कमजोरी लगने लग जाती है, घर में या काम में, ऑफिस में या घर में ले लो, क्यों काम में कमजोरी लग रही है, क्यों थकान लग रही है? क्योंकि मानव ने कॉम्प्रोमाइज किया, मानव ने समझौता किया अपने जीवन में। माताओं बहनों ने शादी कर ली, पर क्या हुआ, वो समझौता करते चले गए, इसलिए वो दुखी दलित में है, पीड़ित में है, इसलिए उनको थकान होती है, इसलिए बोर हो जाते हैं, इसलिए उदास हो जाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। हमने पूछा ही नहीं कि क्या चाहिए क्या नहीं, आंतरिक स्वरूप में उनने भी नहीं जाना, उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो जागृत नहीं, भ्रमित में है, उनको नहीं पता। और मानव भी, आदमी भी समझौता करते चले गए, सुविधा अधिकार इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत करता चला गया, मानव दिन रात मेहनत करता चला गया, सुविधा के लिए, अधिकार के लिए, विचार के लिए, व्यवहार के लिए दिन रात एक करता चला गया, क्या हुआ, और दुखी हो गया। वो सुविधा एक अधिकार इकट्ठा करने के लिए समझौता करता चला गया, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दाम कमाने के लिए, काम करने के लिए दिन रात समझौता करा, क्या हो गया, दुखी हो गया, दलित हो गया, पीड़ित हो गया, भयभीत हो गया, कमजोर हो गया, थकान हो गई और बीमारी हो गई और जीवन असफल हो गया। तो क्या हुआ, नेटवर्थ क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, मानव डिग्रेड हो गया, मानव में डाउनफॉल आ गया। नेट रिजल्ट क्या रहा, मानव जिंदगी में फेल हो गया, स्किल में पास हो गया पर विल में फेल हो गया। इसलिए ध्यान रखिए, समझौता करने से आदमी हमेशा बोझ में गया, बोझ हो गया उसको जीवन, बर्डन हो गया। तो इसलिए समझौता नहीं करना है, समझना है। जहां हम समझने की प्रक्रिया में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, तो हम फुलफिलमेंट में होते हैं, तृप्ति में होते हैं। समझने के बाद ही मानव बोध में होता है, बोध में होने के बाद ही मानव को न्याय होता है, धर्म होता है, और सत्य प्राप्त होता है, और सत्य प्राप्त होने के बाद ही मानव में शक्ति आती है, क्योंकि सत्य में ही शक्ति है, सत्य में ही शांति है, सत्य ही शिव है, सत्य ही राम है, सत्य ही हनुमान है, और सत्य में ही तृप्ति है, सत्य में ही भक्ति है, सत्य में ही मुक्ति है, सत्य में ही उसको एनर्जेटिक होगा, सत्य में ही पावरफुल होगा, सत्य में ही सुखी में होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा, और सत्य में ही समाधानित में होगा। यही चाहिए हर मानव को, मानव को सुखी होने का कार्यक्रम में होना है, मानव को जागृति के कार्यक्रम में आगे बढ़ना है, बेहोशी के नहीं, भ्रम में नहीं बढ़ना, आगे अज्ञानता में नहीं बढ़ना, मानव को जागृत होना है, मानव को ज्ञानी में होना है, मानव को उलझना नहीं है, मानव को समझना है। तो हर मानव
सुखी होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है। तो इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम अब समझदारी के लिए बड़ा है, समझ के लिए यह कार्यक्रम अटेंड करें, जागृति का कार्यक्रम। जागृत होके ही मानव मुक्त होता है। आदमी मानसिकता से मुक्त होता है, फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है। मानव भावात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप में भी मुक्त होता है, तो उसको मुक्ति चाहिए ब्रह्म भय से, अज्ञानता से, और उसको सत्य प्राप्त होगा तो सर्वत्र प्राप्त होगा, सर्वज्ञ प्राप्त होगा, वो समर्थ होगा। तो इसलिए अब समझदारी के कार्यक्रम में आइए और हर मानव को अब उपकार कराइए, उसकी जागृति में उसको पहुंचाइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।